इंदौर नगर पालिका निगम के आयुक्त ने प्रतिभा पाल ने गुरुवार को सरवटे बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 30 नवंबर से पहले सरवटे बस स्टैंड से जुड़े सभी कार्य पूरे कर लिए जाए। इंदौर नगर पालिका निगम के सबसे धीमी गति से चल रहे प्रोजेक्ट में सरवटे बस स्टैंड शामिल है। लाख प्रयासों के बावजूद भी सरवटे बस स्टैंड का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। गुरुवार को नगर पालिका निगम के आयुक्त प्रतिभा पाल ने एक बार फिर सरवटे बस स्टैंड पर जारी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है कि नवंबर से आखिरी सप्ताह से पहले सरवटे बस स्टैंड के सभी कार्य पूरे कर लिए जाए। दिसंबर महीने में सरवटे बस स्टैंड से बसों का ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी है। सरवटे बस स्टैंड के कार्यों की धीमी गति को लेकर नगर निगम को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है, जबकि ठेकेदार कंपनी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई के बावजूद भी सरवटे बस स्टैंड का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सुबह का जो निरीक्षण है बेसिकली वो सफाई व्यवस्था और जो व्यवस्थाएं अपने को दिवाली से पहले पूरी कंप्लीट करनी है उनके संबंध में था। इसके अतिरिक्त जो सरवटे का काम अपना बस स्टैंड शुरू होना है उसका काम भी लगभग समाप्ति की ओर चल रहा है, तो उसके संबंध में भी एक विजिट था लास्ट की कौन से फिनिशिंग के काम है जो बचे हुए हैं। जल्दी वो काम हम लोग कंप्लीट करके वो बस स्टैंड नवंबर लास्ट में शुरू करने की तैयारी है, तो फिनिशिंग के काम भी कंप्लीट हो रहे हैं। उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो टेंडर है वो भी हम लोग कर रहे हैं, तो बस उसी की तैयारियों को लेकर एक मीटिंग थी।